कहते हैं कि माहौल आप बनाइए, माहौल आपको बना देगा। आज इसी उदाहरण को एक ऐसे शख्स ने प्रूव कर दिया। आज पूरे इंडिया में घूम घूम के एक ऐसा माहौल बनाया और आज उस व्यक्ति को उस माहौल ने आज उसको सक्सेस कर दिया। दोस्तों, सिर्फ 8वीं पास, महीने का 60 लाख से ज़्यादा पे आउट और आज करीब 15 लाख से ज़्यादा का नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग की इतिहास में ये पहला ऐसा क्रांति है दोस्तों, जो एक इथिकल कंपनी में काम करके आज महीने का 60 लाख से ज़्यादा ऊपर का पेआउट ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं रमेश सोनी, आज मैं आपको उस शख्स की सक्सेस स्टोरी इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। तो ध्यान दीजिए, आप इस वीडियो को एक एक बारीकी से सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जहाँ पर आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और आज वो शख्स नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में टाइकॉन कहलाने लगा है और आज वो एक सक्सेस लाइफ जी रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको उस शख्स की ट्रेनिंग सुनाऊंगा और आप ध्यान से सुनिएगा वो ट्रेनिंग, जहाँ से आप चाहें तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। ऐसी चीज है जो चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। मेरे यारो, हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अभी हमारे सामने पिछले 2 साल से बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शनों की तैयारियां चल रही थी, इलेक्शनों की खतरनाक तैयारियां चल रही थी। ममता बनर्जी 10 साल से सीएम पद पर हैं। जी उनके पास भी चल कर नहीं आई कि ममता बनर्जी जी आ जाओ, तीसरी बार भी तुम्हें बना देंगे मुख्यमंत्री। नहीं, चैलेंज था उनके सामने, क्योंकि उनके सामने कौन है? नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर। अमित शाह उनके सामने है, पर लेकिन जीत किसकी होगी? मेरे यारो, एक चीज इस मैसेज से एक चीज अपने दिमाग के अंदर डाल लो, जीत एक ऐसी चीज है जो चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आपके सामने आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आपको लालच देंगी, बहुत सारे लालच के साथ आपको जोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आपको बोला जाएगा अरे चाची है ही क्या। मेरे यारो, एक चीज दिमाग में रख लो, अगर आपने एचजे की शुरुआत कर ली है तो आपके सामने देखो, मेरी शादी हो गई तो अब मेरा जो रिलेशन है मेरी वाइफ के साथ ही होना चाहिए। अगर मेरी शादी होने के बाद भी मैं इधर उधर देखूंगा तो कहानी आगे बढ़ने वाली नहीं है मेरे यारो। बड़ी सिंपल सी कहानी है। आज मार्केट में मेरी बीवी ही मेरे लिए ऐश्वर्या राय है, मेरी बीवी ही मेरे लिए माधुरी दीक्षित है, मेरी बीवी जैसी कोई बीवी नहीं है। ये बात आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी एचएचआई आपकी कंपनी है, आप उसके मालिक हो और उसको बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों की बातों का जवाब देना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा, हर चीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी, एचएचआई के प्लान की पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में कस्टमर वही है। समझो मेरे यारों, मार्केट वही है 130 करोड़ की, हिंदुस्तान में मार्केट वही है 130 करोड़ की मार्केट वही है। और हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। आज भी इस टाइम में बहुत सारी कंपनियों की जूम मीटिंग चल रही है, हर कंपनी की एक ही लड़ाई है, मैं नंबर वन। पर लेकिन नंबर वन जाएगा कौन? जैसे बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए तो आज लोगों ने बोल दिया, अमित शाह जी ने बोल दिया 200 बार, पर लेकिन 200 बार बोलने जाएंगी क्या मेरे यारो? सामने कौन है? ममता दीदी, जिसने लड़कर जीत हासिल करी है। मेरे यारो, ये मैं टॉपिक इसलिए ले रहा हूं, इस जिंदगी के अंदर कुर्सी मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है यार, अपना हक छीनना पड़ता है यार। दुनिया के अंदर आपको जाना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों की बातों का जवाब देना पड़ेगा, लोगों को प्लान समझाना पड़ेगा, अपनी टीम को साथ लेकर जाना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए मरना पड़ेगा मेरे यारों। आपको एकदम परफेक्ट बनना पड़ेगा प्लान के अंदर, प्लान का मास्टर बनना पड़ेगा, तब आप लड़ पाओगे। अगर आपको प्लान की जानकारी नहीं है, लड़ोगे क्या? मेरे यारो, मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे डॉक्टर की जानकारी नहीं है, क्या मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा? हेलो,
मुझे मास्टर बनना है और मुझे एबीसीडी भी नहीं आता तो क्या मैं मास्टर बन पाऊंगा? मेरे यारो, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी काम के अंदर चले जाओ, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर किसी भी काम के अंदर चले जाओ, अगर आपको उस काम की नॉलेज नहीं है तो क्या आप कामयाब हो पाएंगे? हैप्पी हेल्थ इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं पर लेकिन सीखना नहीं चाहते। मेरे यारो, लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं पर लेकिन सीखना नहीं चाहते। हैप्पी हेल्थ इंडिया को आपको सीखना पड़ेगा, हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्लान को सीखना पड़ेगा, हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्ट को सीखना पड़ेगा, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर जान लगानी पड़ेगी, आपको अपलाइन के सामने झुका के, सर झुका के उनसे सीखना पड़ेगा। गुरु बन के नहीं, चेला बनकर आपको सीखना है, क्योंकि अगर आज आप चेला बनकर सीखोगे नहीं तो कल गुरु बनोगे कैसे? मेरे यारो, आज आप चेला बनकर देखो, आज नरेंद्र मोदी साहब ने अपने गुरुओं से सीख सीख के आज गुरु बन गया। आपको भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी अपलाइनों से सीख सीख के इतना बड़ा बन जाना है कि आप गुरु बन जाओ। मेरे यार, फिर आपको बोलूं, जीत एक ऐसी चीज है जो चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, जीत के लिए लड़ना पड़ेगा, ममता बनर्जी की तरह लड़ना पड़ेगा, पूरी मेहनत, डरना नहीं है। मार्केट में कंपनियां बहुत हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वो बोलेंगी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, हमारा सिस्टम इतना बड़ा है, हमारी चीजें इतनी बड़ी हैं। मैं लोगों को एक ही चीज बोलता था कि हर कंपनी की शुरुआत किसी ना किसी दिन पहले दिन से हुई है, किसी ना किसी कंपनी को किसी ना किसी लीडर ने समझा है और HHI को पवन अरोड़ा ने समझा है। HHI को इंडिया के अंदर, मैं नहीं कहता हम नंबर वन की रेस में जाएंगे, पर लेकिन इंडिया में 2025 में जब नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास लिखा जाएगा उसमें HHI का नाम जरूर लिखा जाएगा। मेरी लड़ाई सिर्फ उस बात की है और मैं उस बात के लिए अपनी जान लगा दूंगा उस बात को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि जीत एक ऐसी चीज है जो चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, उसे लड़कर हासिल करना पड़ेगा। पवन अरोड़ा और सरदार सुखदीप सिंह उप्पल ने 6 साल के अंदर, मेरे यारों, हिंदुस्तान के अंदर 9.5 लाख किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करना, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर इसका बात की दोहराई देना, इस बात के बारे में बताना, लोगों को समझाना, लोगों को मीटिंगों के बारे में बताना, लोग बोलते थे प्रोडक्ट कैसे पहुंचेंगे, हम बोले एक दिन ऐसा आएगा शॉपियां खुलेंगी, वेयर हाउस खुलेंगे, बहुत बड़ा होगा, लोग बोलते थे ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे यारों, आज हम कहीं भी नहीं जा रहे, जूम पर रोज मीटिंग हो रही है, 10-15 हजार लोग रोज जूम की मीटिंगों को देख रहे हैं। पूरी मेरी टीम के अंदर आज लगभग 150 से लेकर 200 मीटिंग सुबह से लेकर शाम तक जूम की होती है, हर मीटिंग में 50, 100, 150, 200 लोग होते हैं। मेरे यारो, ये माहौल बनाने में 6 साल लगे हैं, आज HHI ऐसे ही नहीं बन गई, आज पवन अरोड़ा ऐसे ही नहीं बन गया, आज मेरे यारो मरना पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में जाना पड़ा है, 22-25 स्टेट में जाकर मैसेज देना पड़ा है और आपको लगता है कि आप अपने घर पे बैठ के ही काम कर लोगे? नहीं मेरे यारो, जीत एक ऐसी चीज है जो चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, मार्केट से अपना हिस्सा तो लेना पड़ेगा, जैसे बाबा रामदेव ने अपना हिस्सा मार्केट से लिया है, आपको और मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग। KPMG अगर बोलती है 65,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इंडिया के अंदर 2025 में होगा तो उस 65,000 करोड़ के टर्नओवर के अंदर अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा, पातों से नहीं होगा मेरे यारों, पातों से नहीं होगा, जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, लोगों के हर बात का जवाब देना पड़ेगा, प्लान को सीखना पड़ेगा। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, प्लान को सीखना पड़ेगा। HHI का प्लान आज हिंदुस्तान के अंदर इतना शानदार प्लान, 90% बिजनेस वॉल्यूम का प्लान, इतना खतरनाक प्लान, इतना शानदार मैचिंग इनकम, मैं क्या बताऊं, क्या माहौल बनता चला जा रहा है मेरे यारों, माहौल बड़ा खतरनाक बनता चला जा रहा है। अपने दिमाग में एक चीज डाल लो, जीत एक ऐसी चीज है जो चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, उसे लड़कर आपको हासिल करना पड़ता है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, तभी आप जीत पाओगे, वरना जीत नहीं पाओगे। अगर पवन अरोड़ा अपने घर पे बैठा रहता तो क्या आपको लगता है जीत पाता? ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना बच्चे देखे, एक ही चीज, अपने बच्चों के सपनों के लिए काम करना है तो 5 साल मरना पड़ेगा मेरे यार, तब जाके कहीं पवन अरोड़ा बनाए। मेरे यारो, शुरुआत करनी बहुत आसान है मेरे यारो, योद्धा वही बनेगा जो अंजाम तक संघर्ष करेगा।